अरे जो भी प्रोग्राम्स हैं, ये एक्सेलेंस स्कूल है, जस्ट मैहर जेल के सामने है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, मैदान ग्राउंड टाइप का है, वहाँ हमारा स्टेज वगैरह बना है। तो जो भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा यहाँ होगा। और रेलवे से ज़्यादा ये 500 मीटर या 600 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ सारे कार्यक्रम होंगे। इसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग मैराथन का जो होगा, वो मैं आपको पूरा रूट इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि रूट क्या होगा। तो हमने सोचा कि एक वीडियो ही हम बना देते हैं कि कहाँ पास से हो स्टार्टिंग हो। देखिए यहाँ सभी जगह, सर थोड़ा बाइक धीमा कर लीजिएगा, ये है कटनी चौराहा, ठीक है ना। यहाँ पास हमारा देखो ये होर्डिंग्स भी लगा हुआ है, ये होर्डिंग्स लगा हुआ है, यहीं पास से स्टार्टिंग होगा। आपको हरी झंडी दिखाया जाएगा और कटनी चौराहे से, जैसे हम यहाँ पास थे, यहाँ से आपको जाना है। यहाँ सभी जगह चूना भी डला रहेगा, हमारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे और ये पूरी रास्ता खाली रहेगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भीड़ भाड़ में आपको हम दौड़ाएंगे, ये पूरा रास्ता खाली रहेगा और इसी रास्ते से आपको जाना है। सभी जगह चूना रहेगा, हमारे वॉलंटियर्स हैं, आप देखते जाइए। मैं सारा रूट आपको क्लियर कर देता हूँ 5 किलोमीटर्स का, कि कहाँ से कहाँ जाना है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आप वीडियो लगातार देखते रहें, बने रहेंगे इसमें। इसके बाद आता है हमारा क्या, स्टेट बैंक चौराहा, ठीक है। स्टेट बैंक चौराहा से हमें रेलवे स्टेशन की तरफ घुसना है, ये हो गया। तो ये है हमारा स्टेट बैंक चौराहा, यहाँ भी पुलिस की व्यवस्था होगी, ठीक है ना। यहाँ से हमें किधर जाना है, घंटाघर तरफ। देखिए सभी जगह चूना रहेगा, सभी जगह पुलिस की व्यवस्था रहेगी, हमारे वॉलेंटियर्स रहेंगे, आपको किसी भी तरह की भटकने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हर जगह फ्लैग्स आपको दिखाएंगे कि इस तरह इस रूट पे जाना है, और पूरा रूट में चूना डला रहेगा और हर एक चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी, हमारे वॉलेंटियर्स रहेंगे, आपको बताते जाएंगे। और पूरी रास्ता जो है खाली रहेगी 30 मिनट के लिए, 30 से 40 मिनट के लिए पूरा रास्ता ब्लॉक रहेगा, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, पीछे पीछे एम्बुलेंस रहेगा कि जैसे कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते हो जाए तो प्रॉब्लम्स ना जाए। ये आपका आ गया घंटाघर चौराहा। घंटाघर चौराहा से आपको मुड़ना है देवी जी रोड की तरफ आपको जाना है, ठीक। यहाँ से आप सीधे जाना है हमें, यहाँ से जब आप सीधे जाते जाएंगे तो आपको पड़ेगा क्या, अलाउद्दीन चौक कहलाता है। और हर एक चौराहे पे हमारे वॉलेंटियर्स रहेंगे, हर एक चौराहे पे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, पूरी रोड जो है ब्लॉकेज रहेगा, रोड का पूरा ब्लॉकेज रहेगा, आपको किसी भी तरह से मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बाइक में हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो को, थोड़ी मेरी आवाज़ इधर उधर हो सकती है, आप एडजस्ट कर लेना। ये है अलाउद्दीन चौक, यहाँ से आपको सीधे जाना है बिल्कुल, और सीधे चलते जाना है। यहाँ सभी जगह, सब पूरी रास्ता आपको खाली मिलेगी, हर एक जगह पे झंडे मिलेंगे, वॉलंटियर्स मिलेंगे और पुलिस व्यवस्था रहेगी, तो किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखिए रूट, और यहाँ पास से यहाँ ये आ गया कन्या स्कूल, यहाँ पास से ये जो रास्ता दिया हुआ है, यहाँ से हमको अंदर जाना है, ये अंदर कॉलोनी की तरफ है, तो सीधे चलना है। ये महाकाल स्कूल तरफ है, यानी जस्ट अलाउद्दीन चौक के आगे से महाकाल स्कूल तरफ जाने के लिए रास्ता है। ये पूरा रास्ता खाली रहता है, पर उस दिन तो हम मैराथन, जैसे कल हम मैराथन है, कल ही है 8 जनवरी, कल ही है, तो यहाँ सभी जगह हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, रास्ता पूरा खाली रहेगा, हर जगह आपको चूने मिलेंगे। विंटर का टाइम है, फिर भी हम जगह जगह पे हर एक चौराहे पे मम का पाउच की व्यवस्था करा के रखेंगे, कि अगर दौड़ते समय आपको पानी की जैसे कुछ भी जरूरत हो तो वो चीज़ें रहेगी, ठीक है। ये है यहाँ पास से, आप यहाँ भी हर एक जगह वॉलंटियर्स रहेंगे, चूने की व्यवस्था रहेगी, तो किसी भी तरह की दिक्कत। ये है दोस्तों महाकाल स्कूल, देख लीजिए आप, महाकाल स्कूल पड़ेगा, यहाँ से आपको सीधे चलते जाना है और आएगा कहाँ, ये लोग हम लोग पहुँच जाएंगे मैहर किला, ठीक है, मैहर किला पहुँच जाएंगे। ये सीधे रास्ता है, ये पूरी रास्ता खाली रहती है और सुबह सुबह तो और ज़्यादा खाली रहेगा, प्लस हम लोग सभी जगह चूना वगैरह वॉलंटियर्स हमारे रहेंगे ही, तो आपको बताते जाएंगे। तो जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं ना, उनको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि रूट क्या है, एक दिन पहले भी हमको देखने की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके सारे रूट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये पूरी रास्ता बिल्कुल साफ़ है और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी दूरी तक दौड़ते दौड़ते भीड़ नहीं रहेगी, क्योंकि जो
रनिंग वाकई में जो मैराथन करते हैं उनकी स्पीड होती है वो एक स्पीड में जाते हैं, तो यहाँ तक तो भीड़ नहीं रहेगी जैसे आप देख रहे हो रास्ता थोड़ी सी, तो यह सभी रास्ता ये खाली है। हम लोगों ने रूट ऐसा डिसाइड किया था कि पूरा रास्ता खाली हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए हमने ये रूट डिसाइड किया था। ये देखिए यहाँ पास से आपको ऐसे टर्न लेना है, छोटा सा टर्न है सामने। यहाँ जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष थे पुरानी, उनका ये घर है घई जी का, इनके ग्रस्त घर के बगल से ये रास्ता जो गई है ना, सीधे सीधे अपन को निकलना है। और यहाँ से अपन जाएंगे तो पड़ेगा ये देवी जी रास्ता वाली में, फिर टच कर जाएंगे। अब ये रास्ता हमने इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये पूरा रास्ता खाली रहता है, यहाँ किसी भी तरह का भीड़ भाड़ नहीं रहता है, तो हमने इसलिए ये रास्ता चूज किया था। और बाकी उस रास्ते की हम बात करें तो थोड़ा बहुत ऑटो जैसे चलता है तो हम ब्लॉकेज करा के रखेंगे ही, कोई आने न जाने पाए, केवल एम्बुलेंस इमरजेंसी होगा वही बस आ जा पाएगा। यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये सीधे रास्ता आपको जाना है, सीधे चलते जाएंगे आप। सर यहाँ पास से फ्रेंड्स जैसे देवी जी रोड आवा रहे थे ना, यहाँ पास से आपको टर्न लेना है, यहाँ भी हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे और ये अंदर हमको घुसना है। ये सिमरन पब्लिक स्कूल वाली रास्ता है, ये पूरी खाली रहती है। ये रास्ता हमने केवल इसलिए लिया है कि हमें डिस्टेंस कवर करना है और हमें रूट में ये देखना था कि कौन सा रास्ता खाली है, तो ये रास्ता हमने चूज किया। ये पूरी की पूरी जो कॉलोनी है पूरी खाली रहती है, कोई ट्रैफिक नहीं रहता है, तो यहाँ पास से आपको अंदर लेना, अंदर इसलिए हमने लिया था। ये सिमरन पब्लिक स्कूल है आप देखेंगे, ठीक यहाँ से होते हुए आपको लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न आप यहाँ से सीधे चलते जाएंगे, सीधे यहाँ से आप चलते जाएंगे और यहाँ पास से यही जो गली है ये, यहाँ से आपको सीधे इस गली में फिर टर्न ले लेना है। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे सभी जगह वॉलंटियर्स फ्लैग लेके रहेंगे। आपको केवल 5 किलोमीटर की रनिंग है और उसका रूट हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग बाहर से हैं देख लें, केवल 5 किलोमीटर ही हमारा डिस्टेंस है। यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है आपको, ये ऐसे आप यहाँ पास से निकलेंगे और ये कन्या स्कूल वाली रास्ता है, देवी जी रोड में हम आ गए फिर से। जैसे देखिए अभी कार आ रही है, सुबह सुबह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से आपको सीधे अपने रास्ते में, चाहे आप उस रास्ते से भी दौड़ते चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ट्रैफिक तो हम जाम करा के ही रखेंगे। यहाँ से आपको सीधे ऐसे आना है और ये देखिए ये कन्या स्कूल है, कन्या स्कूल है, यहाँ से आपको सीधे चलते जाना है और फिर जाके हम मिल जाएंगे कहाँ, अलाउद्दीन चौक में। अलाउद्दीन चौक से होते हुए हम लोग फिर मुड़ेंगे एक्सेलेंस स्कूल की तरफ। ये कहलाता है अग्रसेन चौराहा, ये देखिए अग्रसेन जी का बना हुआ है। इसी रूट से हम गए भी थे और इसी रूट से हम वापस भी आएंगे और ये है हमारा अलाउद्दीन चौक। तो यहाँ से आपको लेना है क्या, राइट टर्न, और जब आप राइट टर्न लेंगे तो ये कहलाती है मैहर जिला रोड, एक्सीलेंट रोड, मैहर स्टेडियम रोड, और जाके हम उसी रास्ते में मिल जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो हमारा स्टार्टिंग भी वहीं से है, फिनिशिंग भी वही है। और अभी आपको आगे की जानकारी संतोष सर थोड़ा सा और देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी वो जैसे आप देख रहे हैं हम लोग बाइक में ही पूरी रिकॉर्डिंग की है। ये देखिए ये मैहर जेल है और ये हमने जहाँ से शुरुआत करी थी, ये है हमारा एक्सेलेंस स्कूल, जहाँ आ करके हमारा फिनिशिंग होगा। और फिनिशिंग ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं पास होगा। और जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सेलेंस स्कूल के अंदर जो मैदान है वहाँ हमारा मंच बना हुआ है, वहाँ हमारे अतिथिगण, जो मुख्य अतिथिगण हैं हमारे मैहर के विधायक माननीय श्री नारायण त्रिपाठी जी वो हैं, तो वहाँ फिर आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, मेडल, शील्ड, सर्टिफिकेट्स, वो सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। और बाकी की जानकारी आपको भी संतोष सर देंगे। सर आप थोड़ा सा और बच्चों को बता सकते हैं कुछ भी? जैसे कि आपको रूट पहले बता दिया गया, इसी के माध्यम से आपको जो भी डाउट होता है, जैसे जहाँ मैराथन स्टार्ट होता है आपको वहाँ रूट मैप पहले से समझा दिया जाएगा जो हमारे सर लोग रहेंगे,
और ऐसा कुछ डाउट होता है आप किसी भी टाइम कॉल या मैसेज कर सकते हैं सर को और मेरे को भी। ओके, जय हिंद, जय जय भारत। और फ्रेंड्स, अभी भी आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो आप बेसिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 9893296962, और रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कांटेक्ट करना है 9424064522। ओके, देखिए आप पास नंबर्स लिखे हुए भी हैं, ये सभी नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। ओके, ऑल द बेस्ट।